उत्तरी भारत में सर्दी का सितम, सब्जी उत्पादक किसानों की बड़ी चिंता। उत्तरी भारत में बढ़ती ठंड से आम जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। वहीं सब्जी उत्पादक किसानों को अपनी सब्जी की फसलों को प्रभावित होने का डर सताने लगा है। पारा लगातार जमाव बिंदु की ओर बढ़ रहा है। फसलों को ठंड की मार से बचाने के लिए किसान सब्जी की फसलों को प्लास्टिक के पॉलीथीन शीट से ढक कर सब्जियां बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हर साल ही लगाने हैं, हर साल ही किसानों को बहुत फायदा हुआ। नहीं तो कणक दी राह दुगनी आमदन करते हैं जी। खीरा, कद्दू, खरबूजा, ककड़ी, एक एक बने प्याज मटर लाया रखे जी। हाँ जी, मटर कोई जरूरत नहीं होती टक्कन की जी। पर जी कोहरे तो बचाने वास्ते जी। हाँ जी, कोहरे तो बजाइए तो उगते कोई नहीं, बिल्कुल नहीं उगते। हाँ जी, हाँ जी, ठंड के करके जी। जिस 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 टाइम जो जनवरी फरवरी में लगाई जी ना उदो उतरनी शुरू हो जानी है। हाँ जी, अजक लगा दी उगती कौन नहीं। सब्जियां ठंड तो बचाने वास्ते लगाई हुई है जी, क्यों अजक टैंपरेचर बहुत ज़्यादा कम घट हो जाता वा, इस करके नुकसान होंगे, इस करके पल्ली लानी पैंती है जी उपर। तो इस जी खीरा बीजा है, तो लौकी लाई हुई है, खरबूजा लाया हुआ है। ये जड़िया फसल ने इस टाइम ठंड नहीं सहन कर सकदियाँ, इस करके इन्हों डाके रखना जरूरी होंगे वा। तो इस करके असं पल्ली इस्तेमाल करते हैं इन्हों ठंड तो बचाने वास्ते। कुछ सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, तो इसके लिए किसान भाइयों से यही कहना है कि जिन भाइयों ने अपनी पनीरी डाल रखी है, छोटी पौध लगा रखी है, वो उसको ढक के रखें। या तो अगर पनीरी है तो हम अपना जो गेहूँ का ये इसका काटते हैं तो हम पराली से ढक के उसको रख सकते हैं, या फिर जिनने बेड के ऊपर लगा रखी है तो वो लो टनल से लगा के उसके ऊपर उससे उसको सर्दी से बचाया जा सकता है। इसके अंदर सबसे बड़ा अगर लो टनल में लगा रखी है और बेड के ऊपर सब्जी लगा रखी, सबसे बढ़िया तरीका है पाले से बचाने का ड्रिप सिस्टम। अगर किसान भाई उसके अंदर ड्रिप लगा लें तो शाम के टाइम एक आधा घंटा ड्रिप चला दे, जिससे सारे बेड पर नमी रहेगी, उसमें सर्दी मारने की कोई संभावना नहीं रहती। सरकार इसके ऊपर 65% तक सब्सिडी देती। इसको लो टनल बोलते हैं पन्नी को, ये महंगा होता है। जिस किसान भाई ने बेड के ऊपर वो लगा ली बेल वाली सब्जियां, तो वो इसके ऊपर लो टनल से ही होगा। इसके ऊपर सरकार की सब्सिडी का अभी तक इंडिविजुअल अलग अलग कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई भी किसान भाई ग्रुप के अंदर, जैसे हम अपना ग्रुप बना रहे हैं समाल फार्मर ग्रुप, अगर ग्रुप में कोई भी किसान अपना ग्रुप बना के उसके अंदर सब्सिडी लेना चाहे तो हम 70-90% तक इसमें सब्सिडी देते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं किसान भाइयों को। इसमें थोड़ा सी ये करने की जरूरत है कि वो शाम को 5 बजे के बाद इनको ढक दें और सुबह 8 बजे जब सूरज की रोशनी निकले तब इनको उगाड़ दें और इनके अंदर नमी प्रॉपर रखें। अगर नमी नहीं होगी तो ठंड मारने की ज़्यादा संभावना।